हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप टर्न अराउंड स्टॉक्स के बारे में जो मुझे लगता है कि इन ईयर 2024 आपको एक मैसिव रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो रिसेंटली हमने अपने चैनल पर विडियोज रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट ब्रेक आउट ऑन दी अपमिंग आईपीओ मार्केट तो आप इन सब वीडियोज को जाके भी एक बार जरूर देखिए पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था जी पी आई एल गोदावरी पावर स्पैट लिमिटेड और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें दिया है और एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बनता हुआ दिखाई दिया है इन पास्ट फ्यू डेज विच इज़ रफली अराउंड सेवन टू टेन परसेंट और इसके वजह से मैंने जो अगले तीन स्टॉक चुने हैं वो एक ऐसा सिमिलर पैटर्न फॉर्म करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं और मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक्स एक काफी जल्दी आपको टर्न अराउंड दिखा सकते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपके साथ एक बोनस स्टॉक भी शेयर करूंगा जो ग्रोथ परस्पेक्टिव से मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड दैट स्टॉक इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ राउंडिंग बॉटम चार्ट और आप देख सकते हैं जो अपनी प्रीवियस रजिस्टेंस या प्रीवियस सपोर्ट है उन्हें टेस्ट करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद इसने अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट लिया फिर यहाँ पे इसने इसे ब्रेकआउट किया 726 के लेवल को और उसके बाद एक काफी अच्छा रनअप आपको देता हुआ दिखाई दिया सिमिलर एक्शन आपको बाकी के स्टॉक्स में भी दिखेगा तो पहला स्टॉक जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो है पीसी ज्वेलर्स का आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी टॉप के लेवल से पिटता हुआ आपको दिखाई दिया था हाउएवर आफ्टर स्टेइंग अप्रोक्सीमेटली मोर देन अयर इन वन पर्टिकुलर पैटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको छत्तीस रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखा दिखाता हुआ दिखाई दिया था पिछले कुछ दिनों में और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसिव वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिला है इन पास्ट कपल ऑफ डेज मंथ्स जैसे भी आप बात कर सके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये जो ग्रीन कैंडल है ये बता रही है कि यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा अक्यूमुलेशन हो रहा है हमें पीसी ज्वेलर्स के स्टॉक में और यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए रेडी है डिस्क्लेमर ये किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है हवाई मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी ऑपरचुनिटी है जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करते हुए अगर देख सकते हैं या आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पर भरोसा आता है तो सिमिलरली अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक छोटी रकम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक काफ़ी छोटी और रिस्की कंपनी है और काफी हद तक वॉलिटाइल आपको देखने के लिए मिल सकती है एज द मार्केट करेक्ट और गोज अप इन फ्यूचर सिमिलरली आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया रफली अराउंड 39 लेवल के ऊपर उसके बाद इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस जिसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था रफली अराउंड 40 42 का उसे रीटेस्ट करने आया और अब ये फिर से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक और बार फिफ्टी ये जो इसका नियर टर्म जो अभी रिसेंटली हाई बना था उसे तोड़ने के लिए तैयार है और मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्द ही सिक्सटी रुपीज़ तक के टारगेट दिखा सकता है यस yes, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये आपको जल्दी ऐसे करके यहाँ पे सिक्सटी तक के टारगेट दिखा देगा विच विल गिव यू रफली अराउंड आप भी समझ लीजिए 15% परसेंट के रिटर्न आपको यह पर्टिकुलर स्टॉक इन शॉर्ट टर्म देके जा सकता है सिमिलरली ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर अपने बैलेंस शीट को मेंटेन करता है अपने स्टॉक में और इजाफा करता है आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में और कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वेडिंग सीजन में वेदर बीट फेस्टिवल्स वेदर बीट वेडिंग सीजन तो आपको ज्वेलरी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई भी दिए हैं वेदर अ बीट सेंको गोल्ड कल्याण ज्वेलर्स और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पी ज्वेलर्स में भी एक आपको ख़रीदारी आते हुए दिखाई दे सकती है चलिए अब जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो है येस yes बैंक का यस yes. सिमिलरली आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपको काफ़ी हद तक ग्रीन वॉल्यूम्स देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद कोई बड़ी बाइंग आते हुए आपको दिखाई दी है सिमिलरली अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक डिस्कस किया था 10 से 12 रुपए के लेवल पे भी जहां पे हमने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन जो जोन बन रहा है और जो इस पर्टिकुलर स्टॉक है उसका जो सपोर्ट है वो चौदह से सोल सोलह रुपये के बीच में काफ़ी सॉलिड फॉर्म होता हुआ हमें दिखाई दिया है सिमिलरली आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में भी एक सिमिलर पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पास्ट बैरियर्स यानी कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ पे देख सकते हैं बीस रुपये के रेजिस्टेंस था एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया फिर यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ पे दोबारा से बीस रुपये जो इसका रेजिस्टेंस था वहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार फिर यहाँ पे एक नया हाई मारने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक तैयार हो चुका है तो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक भी सबसे पहले ये छोटे स्टॉक्स ही या यूं समझ लीजिए टर्न अराउंड स्टॉक्स जो आपको एक दिन में दस परसेंट या एक हफ्ते में बीस से पच्चीस परसेंट के रिटर्न्स देके जा रहे हैं ये उन्हीं स्पीड से करेक्ट भी होते हैं तो प्लीज़ बी कॉशियस आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर पैसा लगाना है तो आप छोटा सा चंक अपना पैसों का लगा सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद अदरवाइज़ यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स और थिंक अबाउट investing in more stable stocks like Infosys, more stable stocks like HUL or even in the banking sector you have HDFC Bank, Indusind Bank जहाँ पे आपको एक काफी अच्छी value देखने के लिए मिल सकती है current levels पर भी चलिए अब बात करते हैं third stock के बारे में जो third stock है जो मैं इस video में discuss करने वाला हूँ वो है JP Power का stock आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है और सिमिलरली ऐसा ही एक चार्ट पैटर्न हमने आइनॉक्स ग्रीन में भी देखा था और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा यही मेरा बोनस स्टॉक है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न के बाद जब ये पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था सेवेंटी के ऊपर एक मैसिव ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिला था जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को रफली आप देख सकते हैं 40%, 40 के 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 लिए लेके लेके गया था. Similarly, काफी दिनों से से का है वो ये पर्टिकुलर जोन, से लेके के बीच में घूम रहा है और कभी भी अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक तेरह रुपए के लेवल के आसपास मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखी जा सकती है और मुझे लगता है कि जिस दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दे देगा तो आपको यहाँ पे उतने ही बड़े टारगेट्स आते हुए भी दिखाई दे सकते हैं सिमिलरली अगर मैं इसके टारगेट्स अभी निकालूं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए में रफली अट्ठारह रुपए तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जाने का दम रखता है जो आपको रफली दे सकता है ऑलमोस्ट एटीन टू ट्वेंटी परसेंट के रिटर्न अगेन छोटी कंपनी है काफी हद तक करेक्ट हो चुकी है और अगर आप इन तीनों ही स्टॉक्स का चार्ट देखें राइट मंथली बेसिस पे अगर मैं इन तीनों स्टॉक्स का आपको चार्ट दिखाऊं तो दीज स्टॉक्स हैव हाँ बीन वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स आप देख सकते हैं जब जून ट्वेंटी टेन में ये स्टॉक आया था एटी थ्री रुपीज़ का था वहाँ से ये जीरो पॉइंट पंद्रह रुपये तक गया है अगर सिमिलरली मैं येस बैंक की बात करूँ तो येस बैंक का अगर आपको मैं मंथली चार्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक एक टाइम पर चार सौ रुपये तक चल रहा था और, और

यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये इस स्टॉक्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज़ अपने कैपिटल को रिस्क में मत डालिए और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट कीजिए अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कीजिए अगर आपको लॉस होता है तो आप अपना लॉस बुक करना सीखिए इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर निकालिए then definitely you will make good amount of money in such opportunities as well. चलिए अब बात करता हूँ hu bonus के बारे में mein bonus जो है hai इंडिया का है मुझे लगता है कल के दिन अगर ये ye 114 चौदह ke के ऊपर निकलता है ये stock to तो काफी तेजी दिखा सकता है सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे जी पी एल का स्टॉक था एक तरफा ऊपर गया उसके बाद नीचे आया प्रीवियस रजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया एक अच्छा बेस बना के फिर से एक बार 114 सौ के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट देगा और इस बार अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 91 to 100 मिनट 91 टू वन हंड्रेड सॉरीवन ट्वेंटी की एक सौ चालीस रुपए तक के टारगेट आपको ग्रीन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग दिख रही है और आपको भी डेफिनेटली इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को पे तो एक बार जरूर रखना चाहिए That's it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए दैट्स इट हैप्पी इन्वेस्टिंग